हेलो एवरीवन वेलकम टू दी कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म आज के सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं इनकम टैक्स का एक और डिडक्शन यानी आप टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं अगर आपने कोई खर्चा किया है कोई एक्सपेंस किया है किसी डिपेंडेंट डिसेबल्ड को मेंटेन करने के लिए यानी आपके जो आ, साथ कोई डिसेबल्ड पर्सन है और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो उनके ऊपर अगर आप ये फॉलोइंग एक्सपेंसेस करेंगे तो आप अपने टैक्स वो सेव कर सकते हैं उन एक्सपेंसेस का डिडक्शन ले सकते हैं तो आज इस सेशन में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन एट्टी डबल डी का कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है सो प्लीज स्टे कनेक्टेड और इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें डिडक्शन हम कम्पलीट कवर अप करेंगे इनकम टैक्स के रिलेटेड क्वेरीज एंड सेशन कम्प्लीट कवर्ड है इस प्लेटफॉर्म पे आप उसका मैक्सम बेनिफिट लें ठीक है सो वी कैन कॉल्ड एज अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस वेन यू आर में इंक्लूडिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट सो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द मेंटेनिंग सामान इट्स ऑल्सो इंक्लूड द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल

डिसेबल्ड पर्सन है उनके ऊपर डिपेंडेंट है उनकी टेक केयर कर रहे हैं उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं या उनकी कोई रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंस कर रहे हैं या एच यू एफ की फैमिली में कोई डिसेबल्ड पर्सन है और एच यू एफ जो है उनकी टेक केयर कर रहे हैं उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं या कोई मेडिकल एक्सपेंस इनकर तो इंडिविजुअल एंड एच यू एफ इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन सी अमाउंट का आप बेनिफिट ले सकते हैं एक तो आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं उस डिसेबल्ड पर्सन का चाहे वो नर्सिंग हो ट्रेनिंग या रिहैबिलिटेशन हो आपके रिसमैन जो कि पर्सन बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी होना चाहिए ठीक है या आप कोई स्कीम अमाउंट को डिपॉजिट कर रहे हैं या पे कर रहे हैं ठीक है जो कि LIC के द्वारा या किसी भी अदर इंश्योरर या कोई अदर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी ठीक है जो आपके डिपेंडेंट को मेंटेन कर रही हैं बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी उन पे आ, ऐसी कोई स्कीम पे आप कोई अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस अमाउंट का भी आप डिडक्शन ले सकते हैं तो एक बार क्विकली रीड करते हैं इस कंटेंट को फिर बढ़ेंगे सेशन में आगे सो द पेमेंट्स दिच इज रिलेट इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहेबिलेशन ऑफ अर डिपेंडेंट अ पर्सन विद डिसिटी Or the amount is paid or deposited under a scheme framed in this behalf by the life insurance corporation that is LIC or any other insurer, any other, it may be any private also, or the administrator, or the specified company for the maintenance of the dependent being a person with disability. Clear? So this is expenditure for the maintenance, including the medical treatment of following. डिजीजेस लाइक ऑटिज्मल डिसेबिलिटीज भी ये आपकी कवर अप हुई है एटी डबल टी में ठीक है सो एक्सपेंडिचर ऑन में पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी ठीक है सो स्कीम की जो बात हुई भाई ये स्कीम क्या चीज थी ठीक है तो स्कीम के बारे में हम एक बार आउटलाइन करेंगे कि जो स्कीम थी दैट इज आइर आप आप एन्यूटी फॉर्म में पेमेंट करें या लमसम अमाउंट एक जो है मतलब आपकी कोई इंस्टॉलमेंट्स फिक्स हैं उस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं या लमसम अमाउंट एक पे कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ योर डिपेंडेंट ठीक है और वो जो डिपेंडेंट है वो डिसबल डिपेंडेंट है ठीक है So, अगर जो इंडिविजुअल है फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल ने अपने डिपेंडेंट की टेक केयर कर रहे हैं ये एच थी वो अपने डिपेंडेंट की कोई टेक केयर कर रहे थे और इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है या एच नहीं एग्जिस्ट रहता उस एच मेंबर की डेथ हो जाती है ठीक है जिसके नाम पे ये सब्सक्रिप्शन लिया गया था या आपका इंडिविजुअल जो है उन्होंने साठ साल की उम्र अचीव कर ली है ठीक है या मेंबर ने अचीव कर लिए और जो स्कीम है वो डिसकंटिन्यू हो गई है तो उस केस में जो एस एस है उसे नॉमिनेट कर देना चाहिए ठीक है चाहे वो डिपेंडेंट पर्सन हो या कोई और पर्सन हो या ट्रस्ट हो उसे जो पेमेंट को रिसीव करे उनके सिक्सटी इयर्स के बाद या उनकी डेथ के बाद ठीक है ताकि वो फर्दर उसका टेक केयर कर अगर ट्रस्ट है तो फर्दर टेक केयर करती रहे डिपेंडेंट के लिए या डायरेक्ट डिपेंडेंट के नाम पे ही उस अमाउंट को नॉमिनेट कर दें देखिए तो स्कीम क्या है द स्कीम शुड प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ एन और लमसम अमाउंट लाम द पेमेंट ऑफ एन्यूटी दैट इज एन इंस्टॉलमेंट और लमसम इन लम लमसम अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट बिंग अ पर्सन विद डिस In the event of death of an individual or the member of HUF in whose name subscription was made, subscription league. Or on attaining the age of 60 years or more, equal to or more than 60 years of age by an individual or a member of HUF, and the payment or a deposit to such scheme was. तो साठ साल की उम्र कर ली है आ, वो स्कीम ये प्रोवाइड करिए जो एनडी में अमाउंट पे करना है या लमसम अमाउंट पे करना है डिपेंडेंट के बेनिफिट के लिए ठीक है एंड एस एस सी को नॉमिनेट कर देना चाहिए सो एस एस मस्ट नॉमिनेट आई दिपेंडेंट इट सेल्फ

सकेंगे ठीक है फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी जिन जो उन डिपेंडेंट के लिए वो पैसे यूज होंगे नहीं ठीक है तो आई बिलीव आपको स्कीम क्लियर हो चुकी हो तो कितना डिडक्शन मिल सकता है तो जो अमाउंट है डिडक्शन का मैक्सिमम आपको सेवेंटी फाइव थाउजेंड मिलेगा जब आपकी डिसेबिलिटी जो है वो लेस देन एटी परसेंट है बट अब फोर्टी परसेंट होनी चाहिए ठीक है और अगर जो सीवियर डिसेबिलिटी में फॉल करता है दैट इज और मोर

फॉल करते हैं और उनकी इनकम टैक्स की जो है अपनी रिटर्न के साथ इसे सबमिट कर देना है सेक्शन 139 जो इनकम टैक्स की रिटर्न का क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग ठीक है और जो पर्सन इस डिसेबिलिटी का डिडक्शन कंटिन्यू करना चाहते हैं उन्हें भी फ्रेश सर्टिफिकेट जो है मेडिकल अथॉरिटी से ऑप्टेन करके उसे डिपॉजिट करना है ठीक है सो लेट्स गो थ्रू अ अंडीशन वन फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन शेल हैल अथॉरिटी Under the Person with Disability Act 1995, along with the return of income under section 139. Where the condition of disability require reassessment. Means sometimes it's like a duration over okay, or reassessment, is a the reassessment. A fresh certificate from the medical authority shall have to be obtained after the expiry of the period mentioned in the original certificate in order to continue to claim the deduction. यानी कि आपको सिर्फ मेडिकल अथॉरिटी से ये जो सर्टिफिकेट है वो लेना है और अगर आपको इंडिविजुअल है हस्बैंड तो तो या वाइफ कोई भी हो सकता है स्पाउस चिल्ड्रन हो सकते हैं पेरेंट्स हो सकते हैं ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं उसे इंडिविजुअल के ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर स्पाउस में हस्बैंड फाइल कर रहे हैं तो वाइफ उनके बच्चे उनके पेरेंट्स उनके ब्रदर एंड सिस्टर और अगर इंडिविजुअल जो है है, है? है? एक वाइफ है, तो उनके उनके husband, उनके उनके स्पाउस यानी हस्बैंड, बच्चे, ठीक ठीक और और ब्रदर और सिस्टर, एंड नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर एट्टी यू इन दिन ऑफ इज इनकम अभी एट्टी टू क्या है ब्रीफली इस सेशन में हम अटेंड हम डिस्कस करेंगे सेशन क्लियर यही पे अगर हम एच की बात करें तो एच के केस में कौन होता है डिपेंडेंट तो जो भी मेंबर है एच के फैमिली के अंदर जो होली या मेनली हमारे एच के ऊपर डिपेंडेंट है और वो एटीयू का बेनिफिट नहीं ले रहे ऑब्वियसली इनकम टैक्स में आप एक ही बार फायदा उठा सकते हो डबल डिडक्शन या डबल बेनिफिट नहीं ले सकते इसलिए इस एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर आप एटीयू नहीं ले रहे हो तभी इसका बेनिफिट मिलेगा तो डिपेंडेंट कौन के लाइफ इंडिविजुअल के केस में स्पाउस चिल्ड्रेन पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर इंडिविजुअल के और HUF में एनी मेंबर ऑफ अ HUF ठीक है प्रोवाइडेड वो 80U का बेनिफिट नहीं ले रहा अब इस क्लॉज में एक ऐसी बात है कि भाई अगर आपने जो है जो डिपेंडेंट है आपके पास जो डिसेबल्ड पर्सन है उनकी डेथ एक इंडिविजुअल से पहले हो जाती है तब अब आपको तो उसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी या वो सरवाइव ही नहीं रह तो इनकम हो जाएगी आपकी तो उस केस में उसे डीमड इनकम माना गया है डिसेबिल थे, थे उनकी मेंटेनेंस या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई खर्चा वो करते होंगे ठीक है और लेकिन वो जो डिसबल पर्सन थे उनकी अनबल मतलब उनकी डेथ पहले हो गई ठीक है और

who to took the take care of maintenance or medical expenses or any member of HUF. Clear? In the previous year, in which such amount is received by him or her, यानि कब taxable होगी जब उनके हाथ में वैसे आएंगे उस साल के उसी previous year में उनके हाथ में वो amount tax होगी, ठीक है? However, such deeming provision would not apply, यानि कि किस case में ये deemed income नहीं मानी जाएगी और वो tax देने से बच सकते हैं?

ये आपको डेफिनेटली इनकम टैक्स के प्रोविजन को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप उसे जो है अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं ठीक है अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पेक्स पेयर एबल्टी यू एक पर्सन अगर वो डिसेबल है तो वो खुद अपना डिडक्शन का बेनिफिट लेते हैं और एट्टी डबल डी में एक इंडिविजुअल है जो डिसेबल का ख्याल रख रहे हैं उनका मेंटेनेंस करते हैं उनका मेडिकल करवा रहे हैं वो डिडक्शन लेते हैं यानी कि एट्टी यू में डिसेबल पर्सन खुद का टेक केयर कर रहे हैं और डिडक्शन लेते हैं और एट्टी डबल डी में जो पर्सन टेक केयर कर रहे हैं फैमिली के कोई भी मेंबर हो सकते हैं और या एच यू एफ के कोई भी मेंबर हो सकते हैं वो डिडक्शन ले सकते तो आई बिलीव आपको डिफरेंस जो लाइन थी लाइन ऑफ डिफरेंस है एटी यू एंड एटी डबल डी में क्लियर हो गया और भी एलैबरेट डिस्कशन करेंगे आफ्टर कवरिंग एटी यू

से अबव इक्वल टू एन अबव विच इज लेस देन एटी परसेंट एंड सीवियर डिसेबिलिटी आपकी एट्टी परसेंट एंड अबव होती है ठीक है डिसेबिलिटी को डिफाइन किया है सेक्शन टू वन ऑफ द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट नाइनटीन नाइनटी ठीक है है एक ब्रीफ नॉलेज मैंने आपको दे दी कि भाई जो डबल डी डील कर सकता है और अगर कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो हम उसमें कैसे अमाउंट सेव कर सकते हैं अमाउंट भी मैंने आपको डिस्कस किया कि एक इंडिविजुअल जो है या मेंबर ऑफ एच है इसका बेनिफिट ले सकते हैं बट प्रोवाइडेड वो रेसिडेंट होने चाहिए यानी नॉन रेसिडेंट को इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता है कौन कौन सी अमाउंट है या कौन सी स्कीम के अंदर हम जो पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं मैंने आपको ये भी इलाबरेट किया उसके बाद मैंने ये बताया कि जो लिमिट है वो सेवेंटी फाइव थाउजेंड और वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रिस्पेक्टिवली ये दो अमाउंट एक मैक्सिमम लिमिट है और मिनिमम लिमिट यही एक फिक्स लिमिट है जो अलाउड है ये टाइम टू टाइम हमारी बजट के टाइम में विद अमेंडमेंट्स चेंज होती हैं तो अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको सो आई बिलीव कि आज के सेशन में आपको इनसे कीप पार्टिसिपेटिंग एंड रिफर ऑलर से न्यू लर्निंग हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नया सीखेंगे टिल देन Take care, bye bye, enjoy it.